सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, तनाव फैल गया गांव में, जब अंबेडकर साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया किन्हीं अराजक तत्वों ने। इसके बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया, गांव में तनाव का माहौल फैलने लगा और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुटने लगे। वहां क्या माहौल इस समय है और किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, हमारे हरगांव के सहयोगी अनूप रस्तोगी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अनूप जी बताएं। उदय जी, आपको बता दें कि ये मामला जो है हरगांव थाना अंतर्गत ग्राम रिक्की पुरवा जो मजरा है पिपरागुरी का, वहाँ का है। जी वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है वो किसी अराजक तत्वों ने रात में उसको तोड़ दिया, जिससे पूरे ग्राम सभा में तो आक्रोश फैल ही गया, आसपास इलाके में भी आक्रोश जो है फैल गया। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, प्रशासन को सूचना मिलती है, वैसे ही पूरा थाना स्टाफ जो है वहाँ मौके पर पहुंचता है, साथ ही एसडीएम सदर अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचते हैं और अपर पुलिस अधीक्षक सीतापुर डॉक्टर राजीव दीक्षित भी मौके पर तुरंत पहुंचते हैं और दो तीन जगह के जो है क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और स्थिति को नियंत्रण में करते हैं और गांव वालों से बातचीत करके उनको समझा बुझा करके स्थिति को नियंत्रण में करते हैं। जी इसकी जानकारी जो है जैसे ही लगती है, जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं विनोद गौतम, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है स्थिति को देखते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं इस संबंध में। जी अनूप जी, इस समय वहां पर क्या माहौल है, क्या कुछ जो क्षतिग्रस्त हुई है मूर्ति उसको लेकर के क्या अफसरों ने कहा? अफसरों ने ये बताया कि मूर्ति जो है नई मंगा ली गई है लखनऊ से, उसको लगाने का काम जो है चल रहा है इस समय जी। और साथ ही जो है थाना प्रभारी ने जो है ग्राम प्रधान से तहरीर ली है, जी अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो है प्रधान ने तहरीर दी है। तो थानाध्यक्ष विजय त्रिपाठी का कहना है कि जो भी इसमें जो है संलिप्त है अराजक तत्व, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। बिल्कुल अनूप जी, इस समय वहां पर क्या अफसर डेरा डाले हुए हैं, इस समय क्या कुछ माहौल है गांव का? हाँ, सभी अधिकार पे जो है डेरा डाले हुए हैं। उदय जी, आपको बता दें कि दो पक्षों में जो ये पिपरा खोरी का एक पक्ष था और बगल का गाँव बक्सुईहा, दोनों दोनों गाँव के बीच में गौशाला में गायों के रख रखाव को लेकर अभी दो चार दिन पूर्व जो है आपस में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया था, उसमें जेल भी गए हैं लोग। उस परिपेक्ष में भी लोग देख रहे हैं कि अराजक तत्वों ने शरारत की कि और भी माहौल को खराब कर दिया जाए, लेकिन समय रहते और पुलिस और प्रशासन की तत्परता से ऐसा संभव नहीं हो पाया, अराजक तत्वों के मंसूबे फेल हो गए और स्थिति नियंत्रण में है और वहां पे मूर्ति लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, तो पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की सूझबूझ से एक बड़ा मामला फिलहाल टल गया है। हालांकि तनाव जरूर इलाके में फैला था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने के बाद, लेकिन एसडीएम सदर और एएसपी उत्तरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, नई मूर्ति वहां लगवाई जा रही है और अफसर फिलहाल अभी गाँव में डेरा डाले हुए हैं, स्थिति वहां सामान्य बताई जा रही है। आप लोग जुड़े रहे आई इंडिया से और सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहे, घर बैठे अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाएं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।